ध्वजा धर्म की झुकी हुई, और पापों का प्रकाश हुआ, अरे भारत की संस्कृति का आज बिल्कुल सत्यानाश हुआ, भारत की संस्कृति का आज बिल्कुल सत्यानाश हुआ। ध्वजा धर्म की झुकी हुई रे, ध्वजा धर्म की झुकी हुई रे, पापों का प्रकाश हुआ, भारत की संस्कृति का आज बिल्कुल सत्यानाश हुआ, बिल्कुल सत्यानाश हुआ। सरदारों, पहली कली के माध्यम से कवि ने लिखा, कवि ने समझाया कि इस हमारे देश को आर्यव्रत के नाम से जाना जाया करता था, जहां बड़े बड़े हव, बड़े बड़े तप, बड़े बड़े हवन हुआ करते थे। आज इंसान मैं मेरी के चक्कर में फंस करके उस भगवान का नाम और भजन करना भूल गया, किस तरीके से क्या बताया भला। सेवा ठाया करता था गौ ब्राह्मण, संतों की सब सेवा ठाया करता था, आपस के संग मेल जोल में मिलने जाया करता था, शादी में घर कुनबे की सलाह मिलाया करता था, ब्याह शादी में घर कुनबे की सलाह मिलाया करता था, बाट के खाया करता था, बाट के खाया करता था, कुड़ों से मोहताज हुआ, भारत की संस्कृति का जो बिल्कुल सत्यानाश हुआ, भारत की संस्कृति का आज बिल्कुल सत्यानाश हुआ। कलयुग का जोर इतना बढ़ चुका है, आज एक भाई अपने दूसरे भाई से खुश नहीं रह सकता। अगर बड़े भाई को यह पता चल जाए कि मेरे छोटे भाई के घर में खीर बनी है, तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि उसका भाई सूखी रोटी खाने लग गया। और यह जीवन की सच्चाई कवि ने कलम के माध्यम से, चार लाइन के माध्यम से लिख के बताई कि आज के टाइम में एक भाई अपने भाई से इतना बैर बना के बैठा हुआ है कि अगर वो भाई उसके सामने आ जाता है तो उससे नजरें चुरा कर निकल जाता है। किस तरीके से कवि ने क्या लिखा भला। नसी में नंगी पड़ी रही, अब नहीं शर्म और काज रही, टहल बजा में थी छोरी, अब ना पहले सी बात रही, बंदे गीत गंदे गीत फिर गाती, अब ना ते गलती मान रही, गंदे गीत फिर गाती, अब ना पहले सी बात रही, भूल आज भगे
याद होया भारत की सबसे कीर्ति काज बिल्कुल सत्यानाश होया भारत की सबसे कीर्ति काज बिल्कुल सत्यानाश होया। बहुत अच्छे गुरु जी महाराज तीसरी कली के माध्यम से बताया और बात पर गौर करना सरदारों कि जो आज का टाइम जो चल रहा है जो हमारी माताएं बहने सबसे ज्यादा अगर देखती हैं तो सीरियलों के अंदर जो सीरियलों के अंदर होता है उसी रीत को घर के अंदर चला दिया। आज हमारी माताएं बहने अपने छोटे और बड़ों की शर्म नहीं करती। अगर हमारी बेटी हमारी बहन किसी घर में शादी करके जाती है और अपने ससुर के सामने सर उघाड़ कर चलती है ये हमारे हिंदुस्तान की या हमारे रीत नहीं थी। आज इस फैशन के दौर ने हमारी इस आने वाली पीढ़ी को उस तरफ धकेल दिया जहां सिर्फ बुराइयों के सिवा कुछ नहीं मिला। और आज 16 साल का जवान जिसको अखाड़े के अंदर कसरत करनी चाहिए वो नशे पे लगा हुआ है। इंसान 16 साल का वो जवान ये नहीं सोचता कि तेरे मां बाप ने कितने कष्ट कमा करके तुझे पढ़ाया लिखाया। आज तू नशे के पीछे पागल हो गया, कभी अपने मां बाप की तरफ नहीं देखता किस तरीके से कभी ने क्या बताया वाला। इतनी कसर और रह रही भाई नहीं बरा चढ़ावे से, इतनी कसर और रह रही बस नहीं बरा चढ़ावे से। ए बहन भाई के चले मुकदमे खड़ी बान धमकावे से, पता नहीं जन के होना नहीं समझ में आवे से, पता नहीं जन के होना नहीं समझ में आवे से। यो दारूनाश करावे से, दारूनाश करावे से, जो स्वागत सबसे खास हुआ भारत की सबसे कीर्ति कायक बिल्कुल सत्यानाश हुआ, क्या बात है उस्ताद मारो रे। लास्ट कली के माध्यम से कवि ने तोड़ करते हुए बताया कि इस कलयुग के अंदर बाप के साथ साथ अगर तादाद बड़ी है तो सबसे ज्यादा तादाद बड़ी है लुटेरों की, चोरों की और गुंडों की। अगर आप अपने आसपास कहीं भी देखते होंगे तो 5 में से 7 ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिन्हें किसी के परिवार से या किसी के सुख से मतलब नहीं है, सिर्फ उन्हें अपनी जेब भरने से मतलब है। अगर तुम्हारे पड़ोस में किसी के साथ में कोई घटना हो जाती है तो वहां 2-4 ऐसे जरूर मिलेंगे जो सिर्फ दूर से हाथ सेकते रहेंगे, उसका भला नहीं कर सकते। किस तरीके से कवि ने क्या बताया भला। ए गुंडों की तादाद घनी रे, गुंडों की तादाद घनी, धर्मी मानस कम होगी, मर्दाने की जांच रहना गोलियां होंगे, मर्दाने की जांच रहना गोली वाले जंगे होगी। चाल दुरंगी हुई देश
होगी। कह जयकरण कह जयकरण, जीना मुश्किल नेम सेम सब भंग होगी। कह जयकरण जीना मुश्किल नेम सेम सब भंग होगी। बिल्कुल सत्यानाश यार, भारत की सबसे कीर्ति का जो बिल्कुल सत्यानाश यार। धर्म की झुकी हुई अरे पापों का प्रकाश हुआ, भारत की सबसे कीर्ति का जो बिल्कुल सत्यानाश हुआ, भारत की सबसे कीर्ति का जो बिल्कुल सत्यानाश हुआ।